हेलो एवरीवन, शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ प्याज की चटनी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और आप इसे डोसा के साथ या पराठे के साथ या कोई भी पकोड़े के साथ इसे खा सकते हैं। सबके साथ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान में हमारे बजट में ये आ जाता है। इसे हमने किस तरह से बनाया है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्याज की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और पैन को हमने गैस पर चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, क्योंकि चटनी सरसों के तेल में ही बहुत अच्छी लगती है। और इसमें हम डालेंगे 4 से 5 अदरक के टुकड़े। अगर आपके पास लहसुन के कली हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर 250 ग्राम प्याज लिया है, जो कि अच्छे से चॉप कर लिया है, और इसे डाल करके हम भून लेंगे। तो हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है। ये देखिए, प्याज हमारा लगभग आधा भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने से प्याज सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। प्याज को हमें बहुत ही सॉफ्ट पकाना है। ये देखिए, हमारे प्याज भून चुके हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, अब उसमें डालेंगे हम 1 कप पानी। और यहाँ पर 10 से 15 हमने लाल मिर्च लिए हैं, जिसके हमने डंठल निकाल दिए हैं, और इसका बीज भी हम आधा निकाल चुके हैं, क्योंकि बीज नहीं निकालेंगे तो बहुत ही तीखे हो जाएंगे। और मिर्ची को हम बॉईल कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, मिर्ची हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब इसे हम एक छलनी में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने सारे मिर्ची को छलनी में निकाल लिया है और इसका सारा पानी निकाल करके इसे एक प्लेट में हमने रख दिया है। अब हमने प्याज को यहाँ पर देखिए मिक्सी जार में डाल दिया है और साथ ही इसमें मिर्ची को भी डाल दिया है। अब इसे हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने फाइन पेस्ट एकदम तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमें पेस्ट को स्मूथ रखना है। और यहाँ पर हमने एक वही पैन को चढ़ा दिया है धो करके, और इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच सरसों का तेल। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए चटनी को स्टोर रखना चाहते हैं तो सरसों तेल की मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतने चटपटी चटनी बनती है कि ज़्यादा दिन इसे नहीं रख पाते हम लोग, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। और तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच उड़द की दाल और 1 चम्मच काला राई, जिसको कि सरसों भी बोलते हैं। और ये दोनों हमारे उड़द की दाल और राई चटक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो प्याज हमने पीसा था वो पेस्ट, और इसे डाल करके अच्छे से हम भून लेंगे। इसे हमें धीमी आंच पर ही कुक करना है। 5 मिनट के बाद इसे हम धीमी आंच पर ढक के छोड़ देंगे। ये देखिए, 5 मिनट के बाद तेल हमारा सेपरेट हो चुका है और प्याज भी अच्छे से भून गया है। तो हमारी चटनी लगभग पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच गरम मसाला डाला है और 2 चम्मच हम डालेंगे वाइट विनेगर, जिससे इसका खट्टापन आ जाए और चटनी हमारा मार्केट की तरह लगे। और नमक हमने पहले ही डाल दिया था जब हम प्याज फ्राई कर रहे थे उसी समय। अगर हमें नमक कम लगेगा तो थोड़ा सा और हम इसमें नमक बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, जिससे इसका स्वाद और भी दोगुना हो जाएगा। सारी चीज़ें डाल करके अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि चटनी के ऊपर तेल सेपरेट हो गया है और चटनी का कलर भी चेंज हो गया है। तो ये देखिए, चटनी हमारा तैयार हो गया है और इसे हमने एक बॉल में निकाल लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में न्यू विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेंबर दोस्तों में शेयर कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।